गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी शाम के 6 बजे हैं। बाकी आज बारिश बहुत भयंकर हो रही है भाइयों, और सभी ब्लॉग जो खानपुर टूर्नामेंट के बनाए, बहुत सारा प्यार मिला आप सभी का, काफ़ी व्यूज आए हैं और आप लगातार चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो टूर्नामेंट हुआ खानपुर में, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे थे, ग्राउंड 4 थे, बाकी खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। और भी सभी प्लेयरों से मिला मैं ऑफ कैमरा, तो सभी ने तारीफ की टूर्नामेंट की। बट थोड़ा सा लेट हो गया फाइनल मैच, 9 बज गए थे फाइनल मैच में, बिकॉज शाम को टूर्नामेंट स्टार्ट लेट हुआ, 8 या 9 बजे लगातार मैच चले चारों ग्राउंड पे, क्योंकि काफ़ी टीमें लेट पहुंची, तो थोड़ा हमारी भी जिम्मेवारी है सभी की कि टाइम से पहुंचे। जो भी कमेटी टाइम देती है उस टाइम पे हमें पहुंचना चाहिए, ताकि टूर्नामेंट जो फाइनल मैच 6 या 7 बजे सुबह में हो जाए। बड़े टूर्नामेंट हैं, 51,000 31,000 जो भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जैसे रामपुर कुंडल टूर्नामेंट हुआ 1 लाख रुपये का, सुबह 6 बजे तक फाइनल मैच हो जाना चाहिए। और दिन में ज़्यादा मतलब इतनी एनर्जी नहीं होती है, फुल पूरी नाइट जाग के प्लेयर और फिर दिन में दोपहरी में खेले तो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो यही कारण रहा हमारी टीम का, प्लेयरों का भी, और भी जो भी टीमें खेली दिन में, सेमीफाइनल हुआ फाइनल हुआ, वो सही से नहीं खेल पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी प्लेयरों से, आयोजककर्ताओं से, कि 4 ग्राउंड रखें बड़े टूर्नामेंट में, और जो टीमें हैं उन्हें समय से बुलाएं, ताकि फाइनल भी समय से संपन्न हो सके। और भाई अभी बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, मौसम बहुत ही ख़राब है, और अभी मैं जा रहा हूँ, एक्चुअली जा रहे हैं हम गुड़गांव जा रहे हैं, एरिया मॉल में बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ का, गुड़गांव में मेरे ऑफिस के पास ही है। बाकी कारण ये है कि आज बेटे का, यानी मेरे भाई के बेटे का बर्थडे है, कुणाल पवार का, वो भी मैं मिलाऊंगा, अभी दूसरी गाड़ी में है वो, और रक्षित भी है मेरा बेटा, यक्षित भी है, सभी फैमिली साथ में है। तो एरिया मॉल जा रहे हैं भाई एंजॉय करने, बाकी आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं भाई, हम तो कभी भी बर्थडे नहीं मनाते थे लाइफ में, मैंने 2 बार बर्थडे बनाया है, उनका कुछ और रीज़न रहा था, जन्मदिन की खुशी से नहीं बनाया था, कुछ और रीज़न रहा था, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगा आपको। बाकी 2 ही बार मैंने बर्थडे बनाया अपना केक काट के। बाकी एरिया मॉल जा रहे हैं भाई, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, मूवी देखने जा रहे हैं, एक्चुअली कौन सी मूवी है वो भी मैं बताऊंगा, और काफ़ी फेमस मॉल है, काफ़ी नाम सुना है मैंने भी, मैं भी गया नहीं हूँ अभी तक, काफ़ी नज़दीक है मेरा ऑफिस के, फिर भी नहीं गया हूँ। बाकी अभी पहुँच गए हम टोल टैक्स पहुँचने वाले हैं भोंडसी, बादल हो रहे हैं बहुत जरूर के, दिखा देगा बाहर, ये देखो भाई, बाकी बूंदाबांदी हो रही थी इंडरी गाँव में, तो बाकी यहाँ तो अभी बूंदाबांदी है नहीं, वहाँ भी दिखाते हैं क्या कहानी है। चलिए फिर मिलते हैं, राम। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं एरिया मॉल के बिल्कुल सामने, दिखा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा हम, कहाँ जा रहे हैं हम, मक्का में। कहाँ पे, मक्का में। ये एरिया मॉल है, बाहर से ऐसा दिखता है, उधर पर है। देखने से पहले एक दृश्य है मॉल का, वाह बहुत सुंदर है भाई। और ये मेरा बेटा रक्षित, यक्षित गौरव, बर्थडे बॉय कम हियर, बर्थडे बॉय कुणाल, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, गिफ्ट दे मेरा। आ जाओ भाई, सिनेमा में जा रहे हैं मूवी देखने, बड़ा सुंदर है भाई, ये सिनेमा में
केक तो दिन में ही कट कर दिया। अच्छा जी, तलवार चला दोबारा कर दें दोबारा मूवी के बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं मूवी के बाद। मिलते हैं भाई, मूवी के कुछ दृश्य दिखाएंगे आपको अच्छे अच्छे। केरला स्टोरी, रियल स्टोरी। देखो भाई, नीट एंड क्लीन वॉशरूम। वाह, ये 10 मिनट की मूवी निकाल दिए तुमने। 10 मिनट की मूवी, जल्दी चलो 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 बर्थडे बॉय। फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है, फोटो शूट चल रहा है। और मूवी के बाद दिखाऊंगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ तो गाइस, मूवी का इंटरवल हो गया है, तो अभी पूछते हैं बर्थडे बॉय से कैसी लगी मूवी। हाँ भाई, इंटरवल हो गया मूवी का, कैसी लगी मूवी? बढ़िया फिल्म थी। ठीक है, अभी तक ठीक है। हाँ तो गाइस, अभी मिलाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से। ये मैं हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड, सी इज माई गर्लफ्रेंड, है ना? तो मैं तो वहाँ होना चाहिए। कहाँ? दिल में हो ना? रियली में? सो गाइस, जस्ट किडिंग, ये साली है मेरी छोटी, गर्लफ्रेंड नहीं है। सो रिस्पेक्ट ऑलवेज ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स, सो नेगेटिव सोच ना रखें। तो अभी एंजॉय कर रहे हैं। मूवी कैसी लगी अभी तक? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं है अभी तक। मुझे भी अच्छी नहीं लगी। कुणाल तो बता रहा है ठीक है मूवी, ठीक लगी अभी तक। अच्छा चलो, देखते हैं एंड तक, शायद समझ में आ जाए। नहीं देखते हैं, चलिए। अभी आ गए हैं, मूवी देख के आ गए हैं। अभी भूख लग रही है तेरे को? हाँ। भूख लग रही है? हाँ, भूख लग रही है। क्या खाएगा फिर बता? अच्छी आइसक्रीम खाएगा? हाँ। खाना भी खाएगा? हाँ। चलो देखो, पार्किंग में मस्ती कर रहा है। हाँ भाई, कहाँ गाड़ी? गाड़ी खो दी? ये मिल गई गाड़ी। हाँ भाई, चलेंगे डिनर पे। ये बिंदु को वाली गाड़ी मिल गई है, बिंदु को वाली गाड़ी मिल गई है। यही अपनी गाड़ी? हाँ। चलें फिर? हाँ, चलो चलो, बाय बाय कर दो सबको। देख इधर, बाय बाय। गाइज, लाइफ बहुत व्यस्त चल रही है, बिकॉज 30 तारीख का व्लॉग आज 2 तारीख को मैं एंड कर रहा हूँ। टाइम नहीं मिला भाई। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा, मैंने खानपुर टूर्नामेंट का बताया, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थे, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था। और जो भी 9 बजे फाइनल मैच हुआ, उसके जो कारण रहा वो भी मैंने बताया आप सभी को। और अब
तीन तारीख को रेवाड़ी में, यानी कल रेवाड़ी में टूर्नामेंट है, ओपन टूर्नामेंट है, जिसमें कि प्राइज़ है 31,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़ है। सभी टीमें सम्मिलित होंगी टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट खेलने जाएंगे भाई। कौन सी टीम में जाना है वो भी मैं बताऊँगा, कौन कौन प्लेयर होंगे अपनी टीम में वो भी मैं बताऊँगा, और फिर मंडे से आपको रेवाड़ी टूर्नामेंट के व्लॉग देखेंगे, और कल व्लॉग डाल दूंगा मैं जिसमें कि टीम का बताऊंगा, अपने प्लेयरों का बताऊंगा, कैसे जाएंगे वो भी बताऊंगा कल के व्लॉग में, वो भी 7 बजे तक डालने की कोशिश रहेगी, बाकी 8 बजे से पहले ही आ जाएगा व्लॉग, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है ना भाइयों, गाड़ी में जाते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाता है, तो थोड़ा मैनेज किया करो भाई। मिलते हैं कल, और आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलते हैं फिर। राम राम सभी भाइयों को।